भाई साहब, बेन 10 यूनिवर्स में दो जो सबसे पावरफुल विलन हमें दिखाए गए थे, एक तो विलगिक्स, एक तो एग्रेगोर। अगर हम लोग एक लिस्ट निकाले जिसमें से टॉप 10 अगर हम लोग पावरफुल विलन की बात करें तो उसमें विलगिक्स एंड एग्रेगोर का नाम आता ही है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर विलगिक्स एंड एग्रेगोर के बीच कभी फाइट होता तो उस फाइट को कौन जीतता, सब कुछ हम लोग पावर लेवल के वाइज बात करेंगे। वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विलगिक्स के बारे में। विलगिक्स के जो स्पीसीज होते हैं उनका ओरिजिनल फॉर्म भी एक होता है, जो कि होता है एक ऑक्टोपस टाइप का, जो कि स्क्विड मॉन्स्टर हम लोगों को विलगिक्स देखने को मिला था। उसमें जो विलगिक्स है उसके पावर्स कुछ कुछ हद तक चले जाते हैं, पर बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स आ जाते हैं और वो पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा उनके जो स्पीसीज है वो बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के होते हैं, पर विलगिक्स को देख कर आप लोग बोलोगे कि भैया ये तो कुछ अलग ही है, ये दूसरे सुपर हीरोज को हराता है, उसके पावर्स को एब्जॉर्ब करता है। और जो विलगिक्स है वो चाहता है कि वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में, पूरे के पूरे यूनिवर्स में, पूरे के पूरे ओमनीवर्स में, पूरे के पूरे मल्टीवर्स में राज करे। ये विलगिक्स का कहना था। विलगिक्स के अगर हम लोग कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बात करें तो एनर्जी प्रोजेक्शन, मतलब कि कोई भी बड़े बड़े एनर्जी के फाइट को वह अपने हाथों से रोक सकता है, उसके पास स्किल है कि वो फाइट कर सकता है। इसके अलावा वो वेपन्स को चला सकता है, किसी भी सुपर हीरोज का पावर्स को एब्जॉर्ब भी कर सकता है एक मशीन से। विलगिक्स ने तो डैगन का भी पावर आराम से एब्जॉर्ब कर लिया था। विलगिक्स किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकता है। कोडोम स्ट्रीम में जो विलगिक्स है वो बच सकता है। विलगिक्स का जो स्क्विड मॉन्स्टर है उसके दांत बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं, किसी को भी वो कच्चा चबा जा सकता है। बाकी तो हम लोगों ने विलगिक्स को देखा ही है कि वो कितने बड़े बड़े काम वो कर चुका है। वहीं एग्रेगोर के बारे में बात करते हैं, जो कि कॉस्मोसियन है, चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है। एग्रेगोर एंड अल्टीमेट एग्रेगोर की भी बात करें, अगर उसने 5 एलियंस का पावर एब्जॉर्ब किया है, उस एग्रेगोर के भी बारे में बात करेंगे, नॉर्मल एग्रेगोर के भी बात करेंगे। एग्रेगोर जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। विलगिक्स अगर किसी सुपर हीरो का पावर एब्जॉर्ब करता है तो उस पावर को एग्रेगोर भी एब्जॉर्ब कर सकता है विदाउट किसी मशीन का। एग्रेगोर डीएनए को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, साथ में वो जो है अपने छड़ी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को काट भी सकता है। इनहेंस उसके पास स्ट्रेंथ है, फाइट का है, वह उड़ भी सकता है। मतलब कि जो एग्रेगोर है वह लगभग सभी चीज़ें कर सकता है, पानी में सर्वाइव कर सकता है, स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है। इसके अलावा किसी को भी बंदी बनाना है वो भी कर सकता है, अपने आँखों से लेजर शूट भी कर सकता है। दोनों को अगर हम लोग पावर वाइज देखेंगे तो एग्रेगोर जीतेगा, पर क्योंकि हम सभी को पता है कि जो विलगिक्स है वह कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेता है और वह अपने अपोनेंट को हरा ही देता है। वरना डैगन इतना ज़्यादा पावरफुल एलियन था, अल्टीमेट वेबिक भी हार गया था, पर विलगिक्स के इंटेलिजेंस के कारण जो डैगन है उसको पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और विलगिक्स खुद एक डैगन बन जाता है। विलगिक्स को आप लोगों ने देखा होगा कि वो काफी फाइट हारा है, और आप लोगों ने अल्टीमेट एग्रेगोर को भी देखा होगा कि वो सिर्फ केविन 11 से हारा था जब वो अल्टीमेट्रिक्स को एब्जॉर्ब किया था केविन ने, वरना बेन भी उसको नहीं हरा पाया था। तो पावर वाइज एग्रेगोर जीतेगा, पर अगर हम लोग ऐसे देखें कि विलगिक्स कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के हरा देगा तो वैसे हम लोग विलगिक्स को भी ले सकते हैं। यहाँ पर 50-50 चांस। नीचे कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से कौन हो सकता है पावरफुल, विलगिक्स या फिर एग्रेगोर। पर मेरे हिसाब से अल्टीमेट एग्रेगोर ज्यादा पावरफुल है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।